अयोध्या धाम में त्रेता युग की एहसास अब अवध नगरी में दिखाई दे रही है। 22 जनवरी 2024 को अपने जन्मभूमि में विराजमान होंगे प्रभु श्री राम जी। अयोध्या धाम में आ रहे हैं प्रभु श्री राम जी। वहीं पर अवध नगरी में खुशियों का उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। आप सभी 22 जनवरी 2024 को अपने घरों में दिया प्रज्वलित करें, दीपावली भजन कीर्तन खुशियों का उत्सव मनाएं। आज सुबह टाइम्स टीम आप सभी को संदेश। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज संपूर्ण भारत वर्ष में 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। आज सुबह टाइम्स टीम भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी युवाओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ पहुँचे। वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर कोट कोट नमन और प्रणाम। यह दिवस बहुत ही हम सभी भारत युवाओं के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यह दिवस के युवा सबसे पहले मेरा भारत में युवा शक्ति है, जहां युवाओं का देश है। यह हर वर्ष की भांति 12 जनवरी को युवा भारत की प्रशंसकीय उन्हीं के संबोधन से आज निकला हुआ यह क्षण आपको सुनाने जा रहा हूं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वामी विवेकानंद जी के यह शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण युवाओं को संदेश आज दे रही है। हम सभी लोग 150 वर्ष पहले जो भी हमारे या महापुरुष हो थे, आज युवा शक्ति के उभारते हुए युवाओं को एक संदेश दिए थे और यह युवा आज उनके जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोग सुसिख रहे हैं। यह युवा भारत की प्रशंसा उन्हीं के संबोधन से आज देखी जा रही है। हम सभी को महापुरुषों ने बहुत कुछ दिए हैं। वहीं पर देश और विदेशों में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी 1863 कोलकाता में उनका जन्म दिवस दिन हुआ था और वह बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था उन्हें पुकारते थे। उसके बाद संपूर्ण भारत और विश्व भर में विख्यात हुए स्वामी विवेकानंद जी के नाम स्वामी विवेकानंद जी से जाने जाने लगे हैं। वहीं दुनिया को भारत की शक्ति आज उन्होंने सिखाए हैं और यह युवा शक्ति मेरे भारत में दिखाई दे रही है। यह प्रेरणा 140 करोड़ देशवासियों को अपने महापुरुषों की संदेश गुनगुनाने की यह सर्वोपरि आज स्वामी विवेकानंद जी के सोच विचार से सभी भारत की युवा सीख रही है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के संदेश जो युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लगातार मिल रही है। आज हम सभी भारतवर्ष के लोग चांद तारों की बात करते हैं, जो कि यह शक्ति युवाओं से आती है। जैसे कि कुछ शब्द हैं हम सबको याद रखनी चाहिए और भारत लगातार विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ता हुआ और विश्व गुरु हमारे देश की परंपराओं के साथ साथ सभी देश विदेश के लोग आज विश्व गुरु के रूप में भारत को देख रहे हैं। हमारा भारत वैसे ही विश्व गुरु है क्योंकि सर्वोपरि है और यह महापुरुषों से ही आज हम सभी लोग या विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। और यह है कुछ शब्द हैं जो हम सभी महापुरुषों से सीख रहे हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह संदेश महापुरुषों से सीखा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण संदेश करोड़ों युवा साथियों को प्रेरणा मार्गदर्शक हैं और युग पुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं और रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती पर युवा दिवस पर आप सभी को बार बार हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुँचे। आप सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ आप अपने क्षेत्र में खोजबीन रिसर्च करते रहें और स्वामी विवेकानंद जी के हर एक गुण आप उनसे शब्दों को उकेर कर आप
प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।